सनातन धर्म में पितृपक्ष का विशेष महत्व माना जाता है। पितृपक्ष को श्राद्ध के नाम से भी जाना जाता है। पितृपक्ष में सनातन धर्म को मानने वाले लोग अपने पितरों के लिए पिंडदान, तर्पण और श्राद्ध कर्म करते हैं। पितृपक्ष में ऐसा करने से पितृ जल्द प्रसन्न होते हैं। कहा जाता है पितृपक्ष के दिनों में पितृ धरती पर आते हैं और उनका श्राद्ध विधि विधान पूर्वक न किया जाए तो उनकी आत्मा अतृप्त रह जाती है और यह रुष्ट होकर अपने वंशजों को शराब देकर वापस चले जाते हैं। पितृपक्ष प्रत्येक साल शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि के साथ शुरू होकर कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि तक चलता है। इस साल पितृपक्ष 15 दिनों तक होगा। पितृपक्ष की शुरुआत 28 सितंबर से शुरू हो रही है जो 14 अक्टूबर तक चलेगा। लेकिन आज हम आपको इस रिपोर्ट में बताएंगे कि पितृपक्ष के दौरान बाल दाढ़ी और नाखून क्यों नहीं काटा जाता है। कांड की प्रक्रिया में दाढ़ी बाल बनाना, कोई शुभ कार्य करना पितृपक्ष में निषेध माना जाता है, क्योंकि ये पितरों के जागृति का समय होता है। ऐसा है कि किसी भी पूजा और पाठ में हम छौर क्रिया नहीं कराते हैं। भागवत कथा सुनते हैं या कोई भी अनुष्ठान करते हैं, उस अनुष्ठान में हम छौर क्रिया निषिद्ध मानते हैं, क्योंकि छौर क्रिया कराने के बाद व्यक्ति अशुद्ध हो जाता है और अशुद्ध अवस्था में हम पितृपक्ष में पितरों को पानी देने के लायक नहीं रह जाते हैं। इसलिए पितृपक्ष में दाढ़ी बाल बनाने का निषेध किया गया है, जिससे शौच और शुद्धता बनी रहे।